पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके वख-वख जिलिआं पिंडां अते शहिरां च रैलियां कीतीआं जा रहीआं ने। जिस दी जगह ते चरणजीत चन्नी ने रैली नूं संबोधन करना हुंदा है, उत्थे पहलां ही आसपास दीआं दुकानां जां होर कम्मां दे खेतरां नूं पुलिस वल्लों धक्के नाल बंद करवाया जांदा है। पंजाब सरकारां ने आम जनता नूं रुजगार तां की देणा, आम जनता दे चलदे रुजगार भी बंद करवा दित्ते जांदे ने। सरकारां दा इन्ना बुरा हाल होया पिआ कि हुण हत्थी कमा के भी खाण नहीं दिंदे। सरकारां आप भी गरीब वर्ग की कोई मदद नहीं करदियां ते कमा के भी खाण नहीं दिंदियां, क्योंकि देखा जाए तो गरीब बंदे की जेकर एक दिन की भी दुकान बंद हो जाए तो गरीब बंदे नूं किन्ना नुकसान झलना पैंदा है। जेकर ओह इन्हां रैलियां दा विरोध करदे आ तां पुलिस इन्हां ते लाठीचार्ज करदी है। पंजाब सरकार दलित लोकां दे हक दी गल करदी है, पर दूजे पासे दलित भाईचारे नाल ही धक्का भी करदी है। जिथे भी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने लंघना हुंदा है, ओह राह 2 घंटे पहलां ही बंद कर दिता जांदा है। लोकां दी सरकार कहाउण वालिआं नूं कोई फर्क ही नहीं पैंदा के लोग खज्जल होई जांदे ने जां नहीं। स्टेजां ते खड़ के एक दूजे खिलाफ दूषणबाजी तो सवाए सरकारां कोल होर कोई काम नहीं। सरकारां दावे करदियां ने कि नशे फैलाउण वालिआं खिलाफ सख्त कार्रवाई करांगे, पर 4.5 सालां च ना तां कोई भ्रिष्टाचार, ना नशियां दे गिरोह नूं, ना बेअदबी दे मामलिआं नूं हजे तक कोई सख्त कार्रवाई दे मामले ही नहीं पेश कीते गए। दावे कर दिया पंजाब नूं सवारन दे। पंजाब सरकार आम जनता नूं हरास कर सकती है, वड्डे दोषियां अगे तां बस हाथ जोड़ के खड़ सकती है। पंजाब सरकार नूं भी पता कि साडा थोड़ा समा ही रह गया सत्ता च, जिन्ने खोखले वादे ते ऐलान कर सकते हो कर लवो, शायद इस बार फिर तो जनता बेवकूफ बन जाए। धन्यवाद।